हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में कि उसकी कैपेसिटेंस कितनी होती है और कैपेसिटेंस किस किस पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। यहाँ हम लोग बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए टू प्लेट्स कंसिडर किए हैं, प्लेट वन एंड प्लेट टू। दो प्लेट्स हैं हमारे पास, एक प्लेट जिसके पास चार्ज प्लस क्यू है एंड दूसरी प्लेट जिसके पास चार्ज माइनस क्यू है। तो दोनों प्लेट्स चार्ज हैं, एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी निगेटिवली चार्ज है। दोनों ही प्लेट्स का सरफेस एरिया जो है वो इक्वल है, सरफेस एरिया ए, एंड सेकेंड प्लेट का भी सरफेस एरिया कितना है, ए। पॉजिटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा एंड नेगेटिव प्लेट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जब पढ़ा था तब भी हम लोगों ने देखा था कि सिंगल पॉजिटिव चार्ज होता है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स इनटू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ से ये प्लेट कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो यहाँ से क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और यहाँ ये प्लेट कैसी है, नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव होने की वजह से और दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो बहुत ही कम है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी वो स्ट्रेट लाइन में कहाँ चली जाएंगी, इनफिनिटी, वो सॉरी नेगेटिव चार्ज के पास चली जाएंगी। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, तो यहाँ इस पोर्शन में क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो ई वन मैंने माना, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन। अब यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर जा रही हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बन रहा है वो अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि इस डायरेक्शन में जा रहा है। और यहाँ ये नेगेटिव प्लेट्स हैं, तो नेगेटिव प्लेट्स भी क्या होगा, हमने सेकेंड माना है इलेक्ट्रिक फील्ड ई टू। तो इसके लिए क्या कहेंगे, इसकी डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में है, इस दिशा में नेगेटिव चार्ज की ओर। तो यहाँ बोलेंगे टू वॉस दी नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव प्लेट। तो दोनों ई वन और ई टू दोनों की ही डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेट अ कैपेसिटर, लेट अ कैपेसिटर विद चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू हैविंग इक्वल एरिया, एरिया ऑफ प्लेट्स ए। कैपेसिटर है जिसकी दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज क्या है, एक प्लेट के ऊपर चार्ज प्लस क्यू है एंड दूसरी प्लेट के ऊपर चार्ज माइनस क्यू है, और दोनों का एरिया हैविंग इक्वल एरिया, दोनों का एरिया कैसा है, इक्वल है, दोनों का एरिया समान है, कितना है, ए, ठीक है। सेपरेटेड बाई, सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, यहाँ इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमने मान ली वो डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो डी है। तो सेपरेटेड वाई स्मॉल डिस्टेंस डी। अब पॉजिटिव प्लेट की वजह से, जैसे कि हम लोगों ने गाउस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ा था इनफाइनाइट प्लेन सीट के कारण बनने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन सीट। तो वहाँ पे क्या था, ये भी क्या है, इनफाइनाइट प्लेन सीट है और ये भी इनफाइनाइट प्लेन सीट है। यहाँ पे हमें स्मॉल दिख रही है, बट यहाँ से हम इसकी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बहुत इस प्लेट के कंपेरिजन में बहुत कम होती है। जैसे कि हम मान लें इस पूरे पेपर पर अगर यहाँ कहीं पॉइंट मान लें, तो इस पॉइंट से इस कॉर्नर की डिस्टेंस इस पॉइंट के कंपैरिजन में कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी। तो इसी तरीके से ये डिस्टेंस बहुत कम होने की वजह से दोनों प्लेट्स जो कैसी हैं वो इनफाइनाइट कंसीडर की जाती हैं। तो इनफाइनाइट प्लेन सीट की वजह से बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो देखते हैं। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव इनफाइनाइट प्लेन सीट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोग गाउस ला की एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज या इनफाइनाइट प्लेन सीट। E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द चार्ज डेंसिटी, वेयर वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू ई वन प्लस ई टू। E1 कितना है, ई इज इक्वल टू E1 निकाला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस E2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल के आया है, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ से कितना हो जाएगा, बी इज इक्वल टू ई इंटू डी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वैद्युत विभव क्या होता है, बी इक्वल टू ए इंटू डी, वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ई इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। तो वी इज इक्वल टू ई इंटू डी, यानी कि ई की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू लगा देंगे, क्या वी इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, यानी कि जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकल के आया वो कितना आ गया, सिग्मा इंटू डी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये निकल के आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हमें चाहिए क्या है, यहाँ पर कैपेसिटेंस, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस कितनी होती है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होती है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। क्यू क्या है, चार्ज, एंड बी सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इंटू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा इंटू डी। सिग्मा जैसा कि ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया। जैसा कि प्लेट्स पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, प्लेट पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है वो चार्ज कैसा है पर यूनिट एरिया, तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, चार्ज पर यूनिट एरिया। यानी कि यहाँ हम लोग देखेंगे तो सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ये वैल्यू हम सिग्मा की उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो क्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की जगह क्या हो जाएगा क्यू अपॉन ए इंटू डी। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा तो सी इज इक्वल टू बचेगा, ये ऊपर आ जाएगा तो यहाँ से बचेगा ए इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये निकल के आएगी कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इससे पहले हम लोगों ने स्फेरिकल कंडक्टर के बारे में देखा था, या कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में देखा था कि वहाँ पर जो कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही थी वो उसके साइज पर, यानी कि उसकी रेडियस पर डिपेंड कर रही थी, और परमिटिविटी पर, उसके मीडियम पर डिपेंड कर रही थी। यहाँ हम जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो प्लेट्स की एरिया, परमिटिविटी यानी कि मीडियम, और उनके बीच डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे थ्री पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस, यानी कि डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ प्लेट्स एंड डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो किस किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो उसके एरिया पे कि प्लेट का एरिया क्या है, और दूसरा उन दोनों प्लेट्स के बीच डिस्टेंस क्या है। इस फार्मूले से देख सकते हैं हम कि एरिया, यहाँ से देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एंड कैपेसिटेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो अगर डी दोनों प्लेट्स के बीच की दूरी जो है वो कम होगी तो वहाँ पे ए उसकी कैपेसिटेंस कैसी होगी, ज़्यादा होगी, और अगर प्लेट्स का एरिया ज़्यादा है तब भी कैपेसिटेंस कैसी होगी, ज़्यादा होगी। कैपेसिटेंस कम किस कंडीशन में होगी, जब उसका एरिया कम हो और डिस्टेंस दोनों प्लेट्स के बीच ज़्यादा हो। ये हम लोग देखते हैं किसके बारे में, पैल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटर्स कैन कंबाइंड कैपेसिटर्स कैन कंबाइंड इन टू वेज। कैपेसिटर्स को दो तरीके से जोड़ा जा सकता है। फर्स्ट, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे हम, मान लिया कोई तीन कैपेसिटर है हमारे पास, C1, C2, C3, और तीनों सीरीज में कैसे हैं, कनेक्टेड है, और इनको पोटेंशियल के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि एक बैटरी के साथ क्या किया, कनेक्ट कर दिया, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल।
यहाँ से क्या होगा, यहाँ से चार्ज फ्लो करेगा, यहाँ से चार्ज क्या होगा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ जब चार्ज पहुँचेगा तो यहाँ पोटेंशियल डेवलप होगा, यहाँ पोटेंशियल डेवलप होगा और यहाँ भी पोटेंशियल डेवलप होगा। तो यहाँ जो पोटेंशियल होगा इस कैपेसिटर के अंदर वो बी वन, यहाँ जो पोटेंशियल होगा बी टू, और यहाँ जो पोटेंशियल होगा वो बी थ्री होगा। क्योंकि यहाँ चार्ज जो है चार्ज कैसा जाएगा, इक्वल जाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं, सीरीज़ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से हम थ्योरी देखते हैं, लेट थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस सी वन सी टू एंड सी थ्री आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बी। तीन कोई तीन कैपेसिटर हैं जो कि सीरीज में जुड़े हुए हैं एक पोटेंशियल बी के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस बी के साथ। नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इनके बीच, तो यहाँ से नेट पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी इज इक्वल टू वी वन प्लस बी टू प्लस वी थ्री। यहाँ हम लोग जानते हैं कि क्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ा है अब तक, सी वी, यानी कि क्यू इज इक्वल टू क्या पढ़ा है, सी वी। तो यहाँ से अगर बी की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, क्यू बाई सी। इसी तरीके से यहाँ बी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट कैपेसिटर की बात करें तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, सी वन, और पोटेंशियल कितना है, बी वन। तो यहाँ पर अगर बी वन हम निकालें क्यू इज इक्वल टू सी वी से तो क्या निकल के आएगा, क्यू अपॉन सी वन। सिमिलरली वी टू क्यू अपॉन सी टू एंड वी थ्री कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन सी थ्री। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ, तो मिलेगा बी इज इक्वल टू वी की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन सी, यानी कि क्यू अपॉन सी। यहाँ बी वन कितना है, Q अपॉन सी वन प्लस बी टू क्यू अपॉन सी टू प्लस बी थ्री क्यू अपॉन सी थ्री। क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू क्यू कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यानी कि वन अपॉन सी इज इक्वल टू बचेगा वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। दी रेशिप्रोकल the reciprocal of net capacitance is equal to the sum of reciprocal of कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए माना हमारे पास कोई तीन कैपेसिटर हैं जो कि तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं। कैपेसिटेंस कैपेसिटर C1, C2 एंड C3, इन तीनों को एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से चार्ज निकलेगा और चार्ज ऐसे फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। अब जैसे कि ऊपर हमने सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ा है कि चार्ज क्या है, इक्वल जाता है, यहाँ से क्या है कि चार्ज इक्वल जाता है। C1, C2 एंड C3 तीनों कैपेसिटर्स के अंदर कैसा है, चार्ज इक्वल जाता है, बिकॉज क्योंकि ये तीनों कैसे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगी या जो चार्ज फ्लो करेगा वो इस पॉइंट पे आने के बाद उसके पास तीन रास्ते हैं, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो मैंने माना कि यहाँ पे आने के बाद वो करंट, वो चार्ज क्या हुआ, थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो यहाँ जो चार्ज गया वो Q1 था, यहाँ जो चार्ज आया Q2 और यहाँ जो चार्ज आया वो Q3 आया। तो अब यहाँ पर जो हम देखते हैं, यहाँ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में जुड़े होने की वजह से इन तीनों का जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा। यानी कि जो पोटेंशियल होगा इनके बीच, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल कैसा होगा, इक्वल होगा, जिसको मैंने मान लिया कितना, बी। लेट थ्री कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बी। तीनों किसके साथ हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बी के साथ जुड़े हुए हैं। तो नेट चार्ज कितना होगा यहाँ पर, कि चार्ज, नेट चार्ज वहाँ पर हमने निकाला था नेट पोटेंशियल कितना होगा, और यहाँ हमें देखना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट चार्ज कितना होगा तीनों कैपेसिटर से पास होने वाला। तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। बट क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो यहाँ Q की जगह क्या रख देंगे, CV, Q1 की जगह C1B प्लस Q2 की जगह C2B प्लस Q3 की जगह C3B। यहाँ से हम देखते हैं कि C V, यहाँ B तीनों में कॉमन है, तो B को क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे और यहाँ बचेगा C1 प्लस C2 प्लस C3। B से भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जो कैपेसिटेंस निकल के आएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में वो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये फार्मूला निकल के आया पैरेलल कॉम्बिनेशन का, तो यहाँ पे लिखेंगे
नेट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर। तो टोटल कैपेसिटेंस है वो अलग अलग कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस के योग के बराबर होती है।